हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंगल करके स्वेटर की डिज़ाइन बताऊंगी। अब बहुत ही इजी पैटर्न है ये और चार सिलाई में ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट होती है और एट के मल्टीपल में ये डिज़ाइन तैयार हुआ है बनके। एट के मल्टीपल मतलब आठ फंदे का एक डिज़ाइन है। इसके बाद आप चाहे जितने फंदे लो, बस इतना ही ध्यान रखना 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, एक इधर और एक इधर, बाकी आपको जितने में भी हो आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, लेडीज़ कार्डिगन में, बेबी बॉय, आप इसे कैप पे भी अप्लाई कर सकते हो, बच्चों के कैप में, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ये देखिए इस प्रकार से स्ट्रेच होता है। जब आप बच्चों के कैप पे डालोगे तो राउंड हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और क्या होता है, जब ऊपर हमारा होता है घटाने पर तो वहाँ हमारा कम रहेगा, स्ट्रेच होगा तो बहुत ही सुंदर सा कैप भी बन के हमारा तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर में भी अप्लाई कर सकते हो, लेडीज स्वेटर, ब्लाउज, लेडीज बॉय, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ही इजी पैटर्न है ये। तो फ्रेंड्स, इसे ये देखिए हमारी बैक साइड, ये हमारी राइट साइड। तो आइए इसे बनाना हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी फर्स्ट रो पहली सिलाई है और बैक तरफ उल्टे की तरफ से हमारी पहली सिलाई स्टार्ट होगी। जैसे आप स्वेटर का बॉर्डर बनाया तो सीधे की तरफ से आप फंदा बढ़ा लो, उल्टे की तरफ से हम अपने पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले फंदे को हम ऐसे ही स्लिप किया, 2 फंदे को हम सीधा बुने। अब देखिए, आप चाहे 3 फंदों को सीधा बुन लो या आप पहले फंदे को स्लिप करो फिर 2 फंदे सीधा बुनो, मतलब आपको 2 फंदे मिला के ये वाले 3 फंदे सीधे बुनने हैं। और देखिए, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। फिर देखिए, धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 5 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागे को पीछे किया, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3। धागे को आगे करेंगे और 5 फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। आप इसी प्रकार से कंप्लीट कर लो। और बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स, बनाने में भी बहुत इजी है और ऊन भी बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे आपका लगेगा। जिस प्रकार से डिज़ाइन में ऊन लगता है उस प्रकार से नहीं, मानियो कि जितना आपका प्रोजेक्ट हो उतना ही ऊन लगेगा, ऊन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता। तो 5 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। तो इस प्रकार से बैक साइड हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए आगे राइट साइड सीधे की तरफ। अब सीधे की तरफ क्या, जो जैसे हमको दिख रहा है वैसे ही हमको बुनना है। पहले फंदे को तो हम स्लिप कर लेंगे, अब 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2। धागे को पीछे करेंगे और 5 फंदा हम सीधा बुनेंगे। उधर तो हमने 5 फंदे उल्टे बुने थे और इधर हम 5 फंदा सीधा बुनेंगे, ये धागे को आगे करेंगे और 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, पहले फंदे को हम स्लिप किए और 2 फंदा उल्टा बुने, मतलब 3 फंदा उल्टा और 5 फंदा सीधा। तो ये राइट साइड हमारी दूसरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, ये टू रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो देखिए। अब थर्ड रो हमको वैसे ही बुनना है जैसे हमने फर्स्ट रो को बुना था। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदा सीधा, तो 3 फंदा सीधा हो गया, 5 फंदा उल्टा। ये 5 फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदा सीधा, धागे को आगे करेंगे और 5 फंदा हम उल्टा। अब ये देखिए, थर्ड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो देख लीजिए। अब फोर्थ रो हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। अब फोर्थ रो में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, अब पहले फंदे को तो हमने देखिए स्लिप किया, ध्यान से देखिएगा,
पहले फंदे को स्लिप किया और दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे। देखिए ए दो हो गया, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये फोर्थ रो, तीन सिलाई तो हमारी समझ लीजिए सिंपल ही बुनी, इस सिलाई को थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। तो तीन फंदा हमने उल्टा बुना, अब देखिए वन टू। अब ये जो टू रो है इसमें हमें एक फंदे डाल के निकालना है। देखिए ये देखिए यहाँ से एक लूप हमको निकालना है, टाइट रखें, ढीला नहीं करना है। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, सीधा आप देखिए धागे को आगे करेंगे, तीन फंदे को हम एक साथ उल्टा बुनेंगे। ये फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए इस फंदे के नीचे से, देखिए इस लूप में से हमें एक फंदा सीधा बुनना है, धागे को स्लिप नहीं करना है। अब देखिए तीन फंदा फिर से हमें उल्टा बुनना है। अब ये चौथी सिलाई है फ्रेंड्स, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए तीन फंदा हमने उल्टा बुना, फिर इस फंदे के नीचे से हमने एक लूप निकाला और एक फंदा सीधा बुना, फिर तीन फंदे का एक फंदा बनाया, फिर से हम एक सीधा बुने। और फिर देखिए जो तीन फंदा हमारा उल्टा बुना है इसमें से पहले मैंने एक फंदा सीधा बुना, इसके बाद तीन फंदा उल्टा बुना। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें हमें यहाँ से लूप निकालना होता है, एक दो, क्यों? क्योंकि ये वाले हमने बुन लिए हैं। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारा बुना हुआ नहीं होता, इसलिए हम इसी में से लूप को निकाल लेते हैं। ये देखिए एक दो, इसमें से हमें लूप निकालने हैं, एक फंदा हो गया, दो फंदा हो गया, धागे को आगे करेंगे और तीन फंदे को एक साथ बुनेंगे। तीन फंदा हो गया और ये चार फंदा हो गया। फिर देखिए अब इसके नीचे से हम एक निकालेंगे तो ये हमारा पांच फंदा कंप्लीट हो गया और धागे को आगे करके फिर से हम तीन फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यही चौथी सिलाई हमको ध्यान देना होता है। फिर से हम देखिए एक दो, धागे को पीछे करेंगे, इसी दूसरे वाले फंदे में हमें लूप निकालने हैं ये, और एक फंदा हमको सीधा बुनना है, धागे को आगे करेंगे और तीन फंदे का हमें एक बनाना है और फिर एक फंदा सीधा बुनना है। और देखिए इस फंदे के नीचे से हमको लूप निकाल के धागे को आगे करके तीन फंदा उल्टा, यही फाइव फंदे हमको, फाइव प्लस थ्री यही एट फंदे हमको बार बार रिपीट करने हैं चौथी सिलाई में। तो फिर से देख लीजिए एक बार और, एक फंदे का लूप निकाला, दूसरा फंदा सीधा बुना, धागे को आगे करके तीन फंदे को हम एक साथ बुन लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे हमें इस लूप में से निकाल के धागे को आगे करके और तीन फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो चौथी सिलाई भी फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट हो गई और डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितना इजी पैटर्न है ये और बनाने में भी कितना इजी है और दिखने में देखिए लगता है कि कितना खूबसूरत, कितना यूनिक पैटर्न दिखने में भी आया है। तो यही फोर्थ रो हमको बार बार रिपीट करने हैं। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है आपको समझ में तो आ ही गई होगी, फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, मान लीजिए हमसे कोई गलती होगी ना समझा पाए हों तो प्लीज़ आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा और इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करने के बाद हमें बताओ कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।